सीरीज़ का जीतना टीम के लिए एक मोरल बूस्टर ज़रूर है। यस, जिस मकसद के लिए आए थे, जितने मैचेस जेन में लेके आए थे वो नहीं मिल सके, ऑब्वियसली वेदर आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन स्टिल आई थिंक के जो मैच मिले जिसमें हमने जितनी भी जो बॉलिंग की, जितनी भी जो एक मैच पूरा हुआ उसमें वी वर ऑन अ विनिंग साइड, तो मुझे लगता है कि एक मोरल बूस्टर है पूरी टीम के लिए। और जिन लड़कों की भी परफॉर्मेंस हुई है या जिन लोगों को भी यहाँ पे मैच में परफॉर्म करने का मौका नहीं मिल सका ड्यू टू द वेदर, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस और तमाम चीज़ों की जो उनकी उन्होंने मेहनत की है वो उनके साथ रहेगी, एंड आई एम श्योर दैट विल वर्क फॉर देम इन फ्यूचर। हमने इंग्लैंड के अंदर अच्छी क्रिकेट खेली है T20 फॉर्मेट के अंदर, हम यहाँ पे आके जो मैचेस खेले, जितने भी बारिश की वजह से भी ख़राब हुआ मैच बारबाडोस में भी, यहाँ पे एक मैच हुआ गयाना में हम लोग वो मैच जीते, तो वी आर ऑन अ विनिंग साइड। हमें अपनी विन को जो है एंजॉय करना चाहिए। मुझे लगता है कि वेदर किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, एक अच्छी साइड से हम लोग मैच जीते हैं। ऑब्वियसली चार मैचों की सीरीज़ को एक मैच के ऊपर वो वेदर की वजह से हुआ, हम लोग तो जब भी अंदर गए हमने पूरी कोशिश की, तो आई थिंक इट्स गुड फॉर द टीम कि हम लोग एक अच्छी जगह से यहाँ की कंडीशन में भी प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, एंड दैट विल डेफिनेटली जो मैंने बोला कि जो भी मेहनत की गई है यहाँ पर वो ज़रूर काम आएगी आपको आगे वाली सीरीज। बॉलिंग मैं हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ, मैं कोई रेगुलर बॉलर तो कभी भी नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस मेरा जो है वो हमेशा मुझे बॉलिंग में बहुत काम आता है। इस यहाँ पर भी मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे मौका मिले, पिछले साल में, सवा साल में, डेढ़ साल में मुझे बॉलिंग का इतना मौका नहीं मिल सका, लेकिन जब अब मौका मिला है तो मैं अपने उस मैं खुश हूँ कि उससे पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हुआ। जीत में कंट्रीब्यूशन देना, किसी भी सूरत में आप जीत में कंट्रीब्यूट करें, ऑलवेज शुड बी हैप्पी ऑन दिस, तो मुझे बहुत खुशी है। ऑब्वियसली मेरी बॉलिंग की वजह से पहला मैन ऑफ द मैच है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे लिए बड़ा मेमोरेबल होगा ये फर्ज मेरी लाइफ में, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एज ए ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करना, दैट इज़ समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू डू। हर वो लड़का जो पाकिस्तान के लिए खेले उसके लिए मैं हमेशा दुआगो रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर इन्हीं के साथ मुंसलिक है, इन्होंने आगे पाकिस्तान के लिए 10-15 साल की क्रिकेट खेली, तो मुझे खुशी ये है कि सीरीज़ के अंदर उसको पूरा मौका दिया गया, उसको मैचेस खिलाए गए, वो कि मुझे लगता है कि इतना मौका उसको यहाँ पे नहीं मिल सका, लेकिन उसने वो ग्लिम्स शो किए कि ही गॉट टैलेंट। बैटिंग के ऊपर तो अभी उसका कोई ऐसा टैलेंट सामने नहीं आया, लेकिन डेफिनेटली उसकी बॉलिंग में हमें नज़र आया, तो यंगस्टर को जब मौका दिया जाए तो उसको पूरा मौका मिले, दैट इज़ समथिंग आई थिंक मुझे इस पर खुशी है एज ए सीनियर कि हमारा जो भी यंगस्टर खेला उसको पूरा मौका मिला।